आयुष ने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो उसे शादी के लिए मना कर रहा था। क्या इस डिसीजन में दो लोगों का हाँ बोलना जरूरी है? अगर आयुष को किसी से शादी करनी होगी तो उसे कौन रोक सकता है? लेकिन अक्षिता ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। क्या अभी भी अक्षिता उसको और उसके परिवार को छोड़ना चाहती है? ये सब सोच सोच कर आयुष की आंखें लाल हो गई थी। आयुष और अक्षिता घर आए। अर्पित ने गाड़ी की आवाज सुनी, वो भाग कर बाहर आया। अक्षिता तो ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी, लेकिन आयुष ने पीछे से उसे अपना हाथ दे दिया। आयुष ने थोड़ा दुखी होकर कहा, आराम से अर्पित, क्या तुम अपनी मम्मी को गिराना चाहते हो? यह सुनकर अर्पित भी थोड़ा दुखी हो गया और उसने अपना सर हिलाया। मैं अगली बार ये सब नहीं करूंगा। मम्मी, कल तुम कहां चली गई थी? आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। अर्पित अक्षिता का हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में ले गया। आयुष की आंखें अक्षिता को ही देख रही थी। उसे अपनी वो किस याद आ रही थी जो उसे अक्षिता ने दी थी। बूढ़ी दादी ने जब अक्षिता को देखा, उन्होंने कहा, तुम कल रात को कहां चली गई थी? मैं तुम्हें पूरी रात इधर उधर ढूंढती रही। तुम्हें पता भी है आयुष कितना बिजी रहता है। जाहिर सी बात है, अक्षिता उन्हें यह तो नहीं बता सकती थी कि वो बार में गई थी, नहीं तो उसकी दादी ना जाने क्या सोचेगी। और वो ये भी नहीं बता सकती थी कि वो पूरी रात आयुष के साथ होटल में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी बीच में आयुष बोला, कल उसने अपना काम खत्म नहीं किया था और मैं बस उसका काम खत्म करने में साथ दे रहा था। हमें काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए हम वापस नहीं आए। दादी देख रही थी किस तरह आयुष अक्षिता का साथ दे रहा है, लेकिन इस वक्त वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। आयुष का बिहेवियर कुछ दिनों से वैसे भी ठीक नहीं है, और आयुष आजकल जो भी कह रहा था उस पर बहस करने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि उसे अपना और दिशा का रिलेशनशिप भी मेंटेन करना था। वैसे भी काफ़ी दिनों से दिशा और आयुष की खबरें फैल रही हैं। शाम का वक्त हो गया था, दिशा उनके घर आई। वो आयुष के लिए पेस्ट्री बना रही थी। जब दिशा अंदर आई, उसने सिर्फ बूढ़ी दादी को बाहर देखा। दिशा को देखकर बूढ़ी दादी काफ़ी खुश हो गई थी। यहाँ तक कि जब वो पेस्ट्री बना रही थी तो उसे देखकर और ज़्यादा खुश हो गई। तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाना कितना मुश्किल है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, आयुष ने कहा। जब दिशा ने ये बात सुनी, उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने वो अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। दादी माँ, सचमुच आयुष की रेपुटेशन कोई इतनी भी खास नहीं है। आयुष की माँ ने अभी तक दिशा को अर्पित के बारे में कुछ नहीं बताया था। दिशा ने उन लोगों से कुछ बात शेयर की और फिर वो बाहर चली गई। दिन में वो आयुष के साथ डेट पर जाने वाली थी और वो उसका काफ़ी देर से इंतजार भी कर रही थी। वहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, जिस वजह से उसे ठंड लग रही थी। कुछ देर खड़ा होने के बाद उसने आयुष को फ़ोन लगाया। आयुष, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ और डेट पर नहीं जा सकता, मैंने दादी माँ से बात कर ली है और अब हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। इससे पहले कि दिशा कुछ बोल पाती, आयुष ने फ़ोन रख दिया। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर दादी ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। क्या वो अक्षिता का साथ दे रही है? ये बात सब जानते थे और आयुष ने भी अपनी दादी से बात करनी थी। हालांकि दादी इतनी खुश नहीं थी। आयुष ने अपनी दादी से साफ साफ कह दिया था, अगर वो आयुष को दिशा के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स करेंगे तो आयुष बिल्कुल भी दिशा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा और अक्षिता को उसके साथ रहना ही पड़ेगा। आयुष ये सब धमकियां अपनी दादी को देता था। काम खत्म हुआ, अक्षिता ड्राइवर अंकल का इंतजार कर रही थी। तभी धीरज वहां से निकला। उसने अक्षिता को खड़े हुए देखा और कहा, तुम कहां रहती हो, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अक्षिता ने अपना सर हिलाया, नहीं, मुझे मेरे ड्राइवर अंकल लेने आ जाएंगे, आप घर चले जाइए। धीरज ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और घर चला गया। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वो गाड़ी आयुष की थी। अक्षिता को समझ नहीं आया कि ड्राइवर अंकल की जगह उसे आयुष क्यों लेने आया है। जब उसने आयुष को अपने सामने देखा, उसने आयुष से पूछा कि क्या आज वो दिशा के साथ डेट पर नहीं गया। उसके बाद वो चुपचाप कार में बैठ गई। आज तुम खाने में क्या खाना चाहती हो? जो भी घर पर बना हो, मुझे मेड के हाथ का खाना पसंद है। आयुष ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आयुष उसे बाहर ले जाना चाहता था। आयुष थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और वापस घर चला गया। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, अक्षिता ने सुना कि अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो दादी से क्या कहे। तभी उसने देखा कि आयुष और अक्षिता अंदर आ रहे हैं। उसने अक्षिता को इग्नोर करते हुए कहा, आयुष, क्या तुम काम से वापस आ गए? मुझे दादी माँ तुम्हारे बचपन की कहानियां बता रही थी। आयुष ने गहरी सांस ली और उसने अक्षिता को देखा। अक्षिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अर्पित भी वहीं था। दादी माँ, हमारी मूवी में एक बच्चे की जरूरत है और डायरेक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं किसी बच्चे को ढूंढ कर लाऊं, और मुझे लगता है कि अर्पित काफ़ी अच्छा है। नहीं, वो मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी मूवी में काम करे, आयुष ने गुस्सा करते हुए कहा। लेकिन दादी कुछ और ही सोच रही थी। शायद वो चाहती थी कि अर्पित दिशा की मूवी में काम करे, इससे शायद अर्पित को काफ़ी लोग जानने लग जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही अर्पित से बात कर चुकी हूँ, दादी माँ के बोलने से पहले ही दिशा बोल चुकी थी। हाँ, और अर्पित को अच्छा भी लगा, वो इस काम में आगे भी बढ़ सकता है। आयुष ने एक गिलास में पानी लिया और वो कुर्सी लेकर बैठ गया। खाना खाते वक्त दिशा ने यह बात छेड़ी। अक्षिता यह सुनकर बहुत चौंक गई, क्योंकि उसने कभी अर्पित के लिए ऐसा फ्यूचर नहीं सोचा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत है। अक्षिता इस बात के लिए हाँ नहीं बोलना चाहती थी। क्या तुम एक्टिंग करना चाहते हो? दिशा अर्पित के करीब आना चाहती थी, उसे जानना चाहती थी, इसलिए उसने ये सवाल किया।
जब तुम एक स्टार बन जाओगे तब तुम टीवी पर आओगे और तुम्हारे खूब सारे फैंस भी होंगे। अर्पित को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि उसकी दादी उसकी मम्मी को पसंद नहीं करती है। अगर वो एक स्टार बन जाएगा फिर उसके पास खूब सारे पैसे होंगे तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है और उसकी मम्मी को ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आयुष अर्पित के मन की बात जान सकता तो सचमुच वो गुस्से में ना जाने क्या करता। अक्षिता अर्पित दोनों उस घर को छोड़ना चाहते थे और वो उसे अकेला छोड़कर चले जाते। मम्मी मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? अर्पित ने अक्षिता की तरफ देखा और जानना चाहा कि उसकी मम्मी क्या सोचती है। उसे पता था कि उसकी मम्मी इतनी आसानी से नहीं मानेगी क्योंकि अर्पित बहुत छोटा है। अगर वो एक एक्टर बन गया तो इतना खुलकर नहीं रह पाएगा जितना उसकी उम्र के बच्चे रहते हैं। अर्पित क्या सच में तुम सीरियस हो? मम्मी मैंने इस बारे में काफी सोचा है और मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करूंगा। अर्पित अपनी मर्जी से जा रहा था और आयुष उसमें कुछ नहीं कहना चाहता था। वो अपनी ताकत से अच्छे से अर्पित को प्रोटेक्ट कर सकता है। दिशा ने देखा कि अर्पित मान गया है और वो बहुत खुश हो गई। उसने अपनी आंखें अक्षिता की तरफ घुमाई। वो मन में यही सोच रही थी कि जितना दूर अर्पित अक्षिता से रहेगा उतनी जल्दी अक्षिता इस घर से चली जाएगी और दादी माँ दिशा की शादी आयुष से करवा देंगे। खाना खाने के बाद दिशा ने अपने डायरेक्टर से बात की। उसने अर्पित की फोटो डायरेक्टर को भेज दी। डायरेक्टर को वो पसंद आ गई लेकिन वो कंफ्यूज थे कि अर्पित एक्टिंग कर पाएगा या नहीं। उसने अर्पित को पास बुलाया देखने के लिए कि उसकी एक्टिंग स्किल कैसी है। रात हो गई थी। अक्षिता नहा कर आई और वो अपने गीले बाल सुखा रही थी। आयुष सोफे पर बैठा पेपर पढ़ रहा था। तुम नहाने जा सकते हो? ठीक है। आयुष खड़ा हुआ और नहाने चला गया। अक्षिता ने देखा जब आयुष बाथरूम में घुसा तो उसने राहत की सांस ली। पिछली रात जो हुआ अक्षिता उसे भूल नहीं पा रही थी। अक्षिता ने अपने बाल सुखाए और जाकर बिस्तर पर लेट गई। एसी का टेम्परेचर काफी ठंडा था। आयुष नहाकर बाहर आया, उसने देखा कि अक्षिता बिस्तर पर सो रही है। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसका कंबल जमीन पर गिर गया था। आयुष भी पिछली रात के बारे में सोचने लगा और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अगले दिन अर्पित एक्टिंग करने के लिए एकदम तैयार था। वो सुबह सुबह नहा धोकर दिशा के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अक्षिता को उसकी बहुत चिंता थी। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे बच्चों से काफी अलग हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। ये सुनकर अक्षिता थोड़ी खुश हो गई। अर्पित के साथ आयुष था लेकिन माँ होने के नाते वो थोड़ी परेशान जरूर थी। दिशा ने अर्पित को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा लिया। दिशा ने अक्षिता की तरफ देखा और सोचा उसके पास कुछ नहीं है सिवाय वो उसके बच्चे की माँ है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। चलो अर्पित, डायरेक्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने नाश्ता किया? तुम्हें भूख तो नहीं लगी ना? अर्पित ने अपना सिर हिलाया लेकिन उसने दिशा का हाथ नहीं पकड़ा, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ता था। डायरेक्टर पहले से ही वहां पर आ चुके थे। उन्होंने दिशा को देखा, वो एक बच्चे के साथ आई थी। वो पहले अर्पित के बारे में सब कुछ जान चुके थे लेकिन उस बच्चे का कोई बैकग्राउंड नहीं लिखा हुआ था। अंदर जाकर अर्पित ने डायरेक्टर को देखा। डायरेक्टर ने सोचा कि पहले उसका ऑडिशन ले लेना चाहिए। उसने अर्पित को एक कुर्सी पर जाकर बैठने को कहा। अर्पित वहां बैठ गया। अंकल अब मुझे क्या करना है? अर्पित अब तुम एक्टिंग करोगे और मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगा। अर्पित के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। ये देखकर डायरेक्टर भी खुश था, बाकी बच्चे काफी डरे हुए थे। अर्पित ने अपना सीन देखा और सिर हिलाया। पहला सीन था जहां पर उसे गरीब बच्चे की एक्टिंग करनी थी और दूसरा सीन था जहां वो एक अमीर बाप का बेटा था। दिशा डायरेक्टर के पास ही खड़ी थी और वो अर्पित की एक्टिंग देख रही थी। दिशा को डायरेक्टर ने कहा, दिशा तुम इतना टैलेंटेड बच्चा कहां से लेकर आई हो? मैंने तो बस इसे रोड पर देखा था और मैं इसे ले आई। सचमुच तुम्हारी नजरें तो काफी अच्छी हैं। डायरेक्टर और दिशा दोनों ही काफी खुश थे। मुझे लगता है अर्पित की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इसके बारे में कोई नेगेटिव खबर भी नहीं। मैं एक बार अर्पित की फैमिली से मिलना चाहता हूं ताकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकूं। डायरेक्टर ने दिशा की तरफ देखा और दिशा के दिमाग में आयुष का ख्याल आया। लेकिन आयुष ने यह बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि उनकी फैमिली या अर्पित के बारे में किसी को भी पता ना चले, इसलिए अभी वो सिर्फ अक्षिता के पास जाना चाहती थी। उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा। अर्पित जैसे ही स्टूडियो के बाहर निकला वहां पर अक्षिता खड़ी थी। वो भाग कर उसके पास गया। मम्मी डायरेक्टर अंकल ने कहा कि मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया। अक्षिता ने उसके गाल पर किस दिया और कहा, मेरा बेटा तो है ही कमाल का। दिशा दूर से ही उन दोनों को देख रही थी। वो अक्षिता के पास गई। अक्षिता, अर्पित का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए किसी एक पेरेंट्स को आना जरूरी है, इसलिए तुम्हें डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी। अक्षिता ने दिशा की बात सुनी। वो डायरेक्टर के सामने बात नहीं करना चाहती थी लेकिन अब जब अर्पित ने इंटरव्यू पास कर दिया है वो आयुष को डायरेक्टर से मिलने नहीं देना चाहती थी। अर्पित दिशा के साथ साथ अंदर चला गया और दिशा ने मुड़कर अक्षिता से कहा, अक्षिता भूलना मत हमें किसी को भी ये नहीं बताना कि अर्पित आयुष का बेटा है और तुम उसकी माँ। अक्षिता सुन पा रही थी दिशा की कड़वी बातें। वैसे तो वो अर्पित की माँ थी लेकिन इस वक्त उनका रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अर्पित ने मुंह बनाते हुए दिशा की तरफ देखा। मम्मी क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? मैं आंटी के साथ नहीं रहना चाहता। अर्पित मम्मी को भी काम पर जाना है और डैड ने तो तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर ही दिया है, अगर मम्मी यहां रुकी तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे तो अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी के वहां रुकने से क्या मुसीबत होगी लेकिन जब अक्षिता वहां से चली गई वो चुपचाप अच्छा बन गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि आखिर क्या मुसीबत हो गई। अक्षिता डायरेक्टर से मिलने गई, वो एकदम नॉर्मल थी। 5 साल पहले जब उसकी फैमिली में मुसीबत आई थी वो भी इसी तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। हेलो, क्या आप अर्पित की माँ हैं? आपका नाम क्या है? अक्षिता। अक्षिता, डायरेक्टर ने धीरे से उसका नाम रिपीट किया। वो नाम सुनते ही उसे उसकी फैमिली याद आ गई। उस डायरेक्टर ने अक्षिता की फैमिली के साथ कुछ काम किया था और अक्षिता से भी मिला था, इसलिए उसे याद आ रहा था।
डायरेक्टर बहुत सीरियस हो गया कि आखिर अर्पित का पिता कौन है। डायरेक्टर ने उसी वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की और अर्पित के फ्यूचर के बारे में भी। अक्षिता बहुत ध्यान से सुन रही थी। ये सब कॉन्ट्रैक्ट की बातें उसने अपने पास्ट में भी सुनी हुई थी। अक्षिता को चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आयुष ने पहले ही काफी सारी चीजें अरेंज कर रखी थी। अक्षिता, यहां पर खूब सारी रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हम अर्पित को ज्यादा पैसे नहीं दे रहे तो तुम अपने हिसाब से पैसे बता सकती हो। 5 करोड़ रुपए एक नए आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा थे। इसमें अक्षिता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस मूवी में अर्पित काम करने वाला था उसकी स्टोरी कुछ इस तरह थी, जिसमें एक माँ और एक बेटा एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। अर्पित बच्चे का रोल प्ले कर रहा था और दिशा उसकी माँ का। अक्षिता थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन यह चॉइस अर्पित की थी। अर्पित कल से फिल्म की शूटिंग पर जाने वाला था और उसी हिसाब से उसकी पढ़ाई भी होती। आयुष ने उसके लिए घर पर टीचर को अरेंज करवा दिया, जो कि अर्पित की इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखता था। अक्षिता बहुत ज्यादा टेंशन में थी और आयुष ये देख पा रहा था। आयुष ने अक्षिता से कहा, या तो मेरे साथ वॉक पर चलोगी? बूढ़ी दादी ने उनकी बातें सुनी। मैं रात को जल्दी सोना चाहती हूँ। अक्षिता ने ये बात धीरे नहीं कही थी और दादी भी सुन पा रही थी। दादी खाना खाकर ऊपर चली गई। आयुष ने देखा दादी को कि वो किस तरह मुंह बना रही थी। दादी, मां भूलना मत जो मैंने आपसे बात कही थी। दादी का चेहरा कुछ अजीब हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो आयुष की बात को टाल नहीं सकती थी। दादी चुपचाप ऊपर चली गई। आयुष और अक्षिता भी ऊपर चले गए। अक्षिता खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रही थी। अक्षिता की आंखों में आंसू थे। उसने आयुष की तरफ देखा। तुम्हें अर्पित की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब उसने खुद ही चुना है। लेकिन अक्षिता, चिंता करना बंद करो। अर्पित को एक दिन उसका फैमिली बिजनेस भी तो संभालना है। अच्छा है कि वो बाहर जाकर एक्सपीरियंस कर रहा है। जब मैं उसकी उम्र का था मुझे कुछ नहीं आता था। अक्षिता ये बात सुनकर काफी सरप्राइज्ड हो गई कि वो उसको बिजनेस संभालने के लिए अभी से ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। आयुष को पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया था। वहां पर उसे काफी सारी चीजें भी सिखाई गई थी। जो बच्चे घर में रहते हैं वो फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो पाते, ये बात अक्षिता की समझ में आ गई थी। उसने आयुष से कहा, मुझे माफ करना, मैं शायद ज्यादा ही सोच रही थी। आयुष ने कुछ नहीं कहा और अक्षिता को बिस्तर पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस कर दी। सो जाओ। अर्पित कमरे में इंतजार कर रहा था कि अक्षिता आकर उसे कहानी सुनाएगी। बहुत देर हो गई थी लेकिन उसकी मम्मी अभी तक आई नहीं थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को आने नहीं दिया होगा। अर्पित अपने बिस्तर से उतरा और अपने पिगी बैंक को देखने लगा। उसने मन में सोचा कि वो जल्दी से खूब सारे पैसे कमाएगा और यहां से चला जाएगा। अर्पित की शूटिंग का टाइम बहुत बिजी था। उसे कल भी शूटिंग पर जाना था। दिशा अक्सर आयुष के फैमिली में आती रहती थी उन्हें सारी बातें बताने। एक दिन अर्पित और दिशा शूटिंग पर जा रहे थे। दिशा ने गाड़ी का म्यूजिक बजाया और अर्पित की तरफ देखा। अर्पित खिड़की के बाहर देख रहा था। अर्पित, जब शूटिंग खत्म हो जाएगी क्या हम बाहर खाना खाने चलें? नहीं, मैं अपने घर पर खाना खा लूंगा मम्मी के साथ। ये सुनकर दिशा को थोड़ी शर्म आ गई। उसने अर्पित से फिर कुछ नहीं कहा। दिशा नोटिस कर रही थी कि अर्पित बहुत सीरियस हो गया था। ना वो खिलौनों के साथ खेलता था, ना बाहर का कुछ खाता था। पता नहीं अर्पित को क्या हो गया था। दिशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि अर्पित ऐसा क्यों कर रहा है। उसे याद आया, शुरुआत में शायद दिशा ने ही अर्पित के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। मूवी के डायरेक्टर अर्पित की एक्टिंग से बहुत खुश थे। उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। जितने फैंस दिशा से मिलने आते थे उन सब की नज़र उस प्यारे बच्चे अर्पित पर भी पड़ती थी। ये बच्चा कौन है, कितना प्यारा है। हाँ सचमुच, मेरी तो दिल की धड़कन ही नहीं रुक रही। दिशा ये सब देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, शूटिंग का टाइम हो गया है, अब आप लोग जाइए यहाँ से। उसके फैंस ने एक दूसरे को देखा, आखिर दिशा ऐसे बात क्यों कर रही है। लेकिन वो दिशा से क्या कहते, वो लोग चुपचाप बाहर चले गए। घड़ी में 2 बज रहे थे कि तभी अर्पित की एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अक्षिता ने देखा कि अर्पित कितनी मेहनत से काम कर रहा है और वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। तभी वहां पर धीरज आया और उसने कॉफी का मग अक्षिता के सामने रख दिया। क्या तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं? क्या नहीं तो, अक्षिता ने धीरे से कहा। धीरज की आंखें थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी पर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों से वो अक्षिता को काफी अजीब सा महसूस कर रहा था। कुछ दिन से वो खाना भी नहीं बना रही थी और उसका डिजाइन भी कुछ खास नहीं था। उसने देखा था कुछ दिन पहले उसे एक महंगी सी गाड़ी में कोई लेने आया था। धीरज बहुत क्यूरियस था जानने के लिए, लेकिन आखिर अक्षिता और आयुष में किस तरह का रिश्ता है। धीरज के मन में ये सवाल चल रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर बैठा और काम करने लगा। 3 महीने हो गए थे, अर्पित की शूटिंग खत्म होने को आई थी। जितने लोगों ने अर्पित को सोशल मीडिया पर देखा वो खूब सारे कमेंट कर रहे थे, वाह ये बच्चा कितना सुंदर है, अब तो मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है, पता नहीं जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। अक्षिता भी वही कमेंट पढ़ती थी। उसे इतना अच्छा नहीं लगता था इस तरह के कमेंट पढ़ना, क्योंकि वो अर्पित को सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। अर्पित को स्कूल में सब परेशान करते थे और उससे जलते भी थे, लेकिन अब अर्पित को सब पसंद करने लग गए थे और अब वो बहुत खुश भी था। इतने लोग अर्पित को सोशल मीडिया पर सर्च करते थे, ये उसे खुद भी नहीं पता था। वो बस अपने पैसे गिनने में लगा रहता था। अर्पित को खुश देखकर दिशा ने उससे पूछा, अर्पित तुम आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? क्या मूवी खत्म हो रही है इसलिए? क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम का नाम सुनते ही अर्पित के चेहरे पर चमक आ गई। दिशा ने कहा, चलो नई आइसक्रीम आई हुई है, मैं तुम्हें खिलाती हूँ।
तीन महीने से दिशा और अर्पित साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अर्पित में कोई बदलाव नहीं था। वो अभी भी दिशा को पसंद नहीं करता था। अर्पित हमेशा उससे दूर ही रहता था और दिशा यही सोचती थी, क्या वो इतनी बदसूरत है? आखिर क्या बात है जिस वजह से अर्पित मुझसे इतना दूर रहता है? लेकिन जब अर्पित ने आइसक्रीम का नाम सुना तो वो थोड़ा खुश हो गया। वो आइसक्रीम खाना चाहता था लेकिन दिशा से बात नहीं करना चाहता था। अगर आप मुझको आइसक्रीम खिलाएंगे तो आपको मेरी मम्मी के लिए भी लेना पड़ेगा। दिशा के चेहरे से वो स्माइल चली गई। क्या तुम अपनी आंटी को पसंद नहीं करते? अर्पित ने अपना सर झुका लिया। दिशा ने अपने चश्मे पहने और उसे लेकर बाहर चली गई। बाहर के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दिशा दिशा। खूब सारे फैन उसके सामने थे, लोग उसकी फोटोज ले रहे थे। अक्सर उसके साथ उसके असिस्टेंट या बॉडीगार्ड होते थे जो पब्लिक को दूर रखते थे, लेकिन इस वक्त अर्पित उसके साथ था। उसने अर्पित को गोदी में उठा लिया। अर्पित, क्या आइसक्रीम अच्छी है? अर्पित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से दिशा ने उसे गले लगा लिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, खूब सारे फोटोग्राफर उसकी फोटो लेने लगे। मुझे जाने दो, दिशा ने उसे गोदी से उतार दिया और अर्पित गुस्से में वहां से चला गया। वो उसके पीछे पीछे गई और वो मीडिया वालों को भी यही समझा रही थी कि अर्पित को फोटोग्राफर पसंद नहीं है। अर्पित ने गुस्से से दिशा की तरफ देखा। उसके बाद अर्पित घर आ गया। अक्षिता ने उसके लिए खाना बना रखा था। अर्पित ने जाकर अक्षिता को गले लगा लिया। मम्मी, मुझे नहाना है, आज मुझे दिशा आंटी ने गले लगाया था। यह बात सुनकर अक्षिता बहुत सरप्राइज हो गई। उसने अर्पित को गले लगा लिया। अर्पित बेटा, तुम ऐसे नहीं कर सकते, जब दूसरे सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? लेकिन मम्मी, अक्षिता ने अर्पित का मुंह बंद कर दिया। वो अर्पित को समझाने की कोशिश कर रही थी। अर्पित ने अपने होंठ दबा लिए। वो मम्मी को नहीं बताना चाहता था कि आज उसके साथ क्या हुआ, नहीं तो शायद उसकी मम्मी भी दुखी हो जाती। इसलिए अर्पित ने बस अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और चुप रहा। आयुष को आज सारी रात काम करना था और अक्षिता को लग रहा था कि आज आयुष खाना कैसे खाएगा, इसलिए उसने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया कि जब वो घर आएगा तो खा लेगा। रात को 12 बज गए थे, तभी आयुष की गाड़ी आकर घर के बाहर रुकी। आयुष ने दरवाजा खोला और गाड़ी के बाहर आ गया। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। वो अंदर गया, उसने देखा टेबल पर अक्षिता सो रही थी, उसके हाथ में पेन था। आयुष समझ गया था कि जरूर अक्षिता उसका इंतजार करते करते सो गई। उसने अक्षिता को उठाया और ऊपर चला गया। अक्षिता की आईब्रो के पास कुछ चुटियां पड़ गई थी। उसने अपनी आंखें खोली और सामने आयुष को देखा। क्या तुमने खाना खा लिया? नहीं तो तुम भूल जाओगे और तुम्हारे पेट में दर्द होगा। आयुष चुप रहा। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और गेट बंद कर दिया। अक्षिता, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अक्षिता के हाथ गर्म हो गए और उसने डरते हुए कहा, नहीं। आयुष के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, लेकिन उसने अक्षिता को फोर्स नहीं किया। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे बीच सब हो चुका है। मैं अर्पित का पिता हूं। तुम ऐसा काफी कुछ कर चुकी हो, तुम मेरा नीचे इंतजार क्यों कर रही थी? अक्षिता चुप रही और इधर उधर देखने लगी। मैं तो बस यूं ही। अक्षिता से कुछ भी कहा नहीं जा रहा था, उसके शब्द मुंह में ही बंद हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आयुष से क्या कहे। आयुष उसे देखकर हंस रहा था। उसने अक्षिता को नीचे उतार दिया। अक्षिता को काफी शर्म आ रही थी। आयुष ने अक्षिता को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और कहा, मैं नहाने जा रहा हूं, फिर खाना खा लूंगा, तुम सो जाओ। अक्षिता सो रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, क्योंकि आयुष उसमें काफी इन्वॉल्व हो रहा था। अगले दिन सुबह अर्पित उठा। वो पूरी फिल्म में सबसे छोटा एक्टर था, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल यूथ क्लब था जिसमें उसे इनवाइट किया गया था। उस दिन संडे था। अक्षिता घर पर थी और वो अर्पित को बहुत मिस कर रही थी। वो बस इंटरनेट पर उसकी फोटोज देख रही थी। अक्षिता ने देखा कि किस तरह दिशा ने अर्पित को अपनी गोदी में उठा रखा है और अर्पित आइसक्रीम खा रहा था। उसकी दिल की धड़कन जैसे रुक गई और उसमें काफी सारे लोगों ने लाइक और कमेंट भी कर रखे थे। अर्पित की मम्मी कितनी सुंदर है, इसलिए अर्पित इतना अच्छा दिखता है। लव, मुझे तो इस बच्चे का चेहरा किसी से मिलता जुलता लगता है। हाँ, मुझे भी जैसे इसको पहले कहीं देखा हो। लोगों के कमेंट देखकर अक्षिता को डर लग रहा था, कहीं वो अर्पित के बैकग्राउंड के बारे में ना जान पाए कि वो एक अनाथ लड़की का बेटा है, नहीं तो आयुष की फैमिली को भी बदनामी मिलेगी। दूसरी तरफ आयुष के ऑफिस में आयुष ने अपना फोन खोला देखने के लिए कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। उसने भी वही देखा कि दिशा को अर्पित की मां समझा जा रहा है। ये देखकर उसे भी काफी गुस्सा आ गया। उसने उसी वक्त अक्षिता को फोन किया। अक्षिता, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने सोशल मीडिया देखा? अक्षिता ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आयुष उससे ये सवाल करेगा, लेकिन अक्षिता वो सब देखकर बहुत डर गई थी। उसे लगा, क्या आयुष ने भी वो फोटोज देखी हैं? अक्षिता, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से रहो, किसी को कुछ मैसेज या कमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरे साथ रहती हो। आयुष की ये बात सुनकर अक्षिता को थोड़ा आराम मिला। इससे पहले वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो खुद को इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, कहीं उसकी वजह से आयुष की फैमिली को बदनामी ना सहनी पड़े। सबसे ज्यादा डर उसको दादी का था। वो कभी अक्षिता को वहां रहने नहीं देती। आयुष ने काफी बातें अक्षिता को समझाई और फोन रख दिया। आयुष ने काफी सारे लोग अर्पित के पीछे लगा रखे थे ताकि उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो।
स्टूडियो के बाहर काफी सारे मीडिया वाले, मैगजीन्स वाले खड़े थे और बहुत सारे लोग भी। एक फैन ऐसा भी था जो अर्पित को पकड़ना चाहता था। ये देखकर अर्पित को काफी शर्म आ रही थी। उसे नहीं पसंद कोई उसे इस तरह टच करे। उसके बॉडीगार्ड ने फटाफट अर्पित को सेव रखा। बॉडीगार्ड ने किसी तरह दिशा और अर्पित को गाड़ी में बैठाया और वो लोग होटल की तरफ डिनर करने चले गए। लेकिन फैंस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक आदमी जिसने काफी दारू पी रखी थी, उसने अपनी बियर बोतल से दिशा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और वो दिशा को छूने भी। दिशा डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन अर्पित शांत रहा। उसने अपने फोन से पुलिस का नंबर डायल किया। दिशा का ड्राइवर और उसकी असिस्टेंट उस आदमी को धक्का देना चाहते थे, लेकिन उस आदमी ने बियर की बोतल अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस आ गई और एम्बुलेंस भी। अर्पित को चोट नहीं आई थी, लेकिन दिशा को हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब यह खबर अक्षिता और आयुष के पास पहुंची, वो लोग भी भागकर हॉस्पिटल आए। अक्षिता ने देखा कि अर्पित वहां पर बैठा हुआ है और वो काफी शांत लग रहा था। आयुष भी वहीं पर था। वो पुलिस से उस आदमी के बारे में बात कर रहा था। अर्पित ने अक्षिता की तरफ देखा और कहा, मम्मी मुझे चोट नहीं आई, लेकिन दिशा आंटी को चोट लग गई। वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी जब शीशा टूट गया और उन्होंने मुझे कवर कर लिया। अक्षिता ने जोर से अर्पित को गले लगा लिया। मुझे डर नहीं लग रहा मम्मी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अर्पित को देखकर अक्षिता का दिल पिघल गया। आयुष भी वहीं पास में ही खड़ा था। इस बार गलती आयुष की थी। उसे नहीं पता था कि वहां पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। दिशा के हाथों से कांच के टुकड़े निकाले गए और उसे बैंडेज लगा दिया गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। अक्षिता अंदर गई और उसने दिशा से थैंक यू कहा। दिशा ने अर्पित को बचाया। अक्षिता इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि अर्पित अभी बहुत छोटा है, वो कैसे संभाल पाता। दिशा ने अक्षिता को देखा और स्माइल किया और कहा, क्या अर्पित ठीक है? हाँ वो ठीक है, तुम आराम करो। हाँ, नर्स दिशा को लेकर वहां से चली गई। दिशा ने आयुष को नहीं देखा, इसलिए वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी हो गई। अक्षिता, हो सकता है मैंने ऐसा कुछ किया हो जिससे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे। अक्षिता ने दिशा की बात सुनी और ऐसा लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रही है। घर जाने से पहले अक्षिता ने उसके लिए फ्रूट्स लाकर दिया। जब वो दिशा के कमरे से बाहर आए, अर्पित ने पूछा, आंटी कैसी है? वो ठीक है, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? अर्पित ने अपना सिर हिलाया। शायद वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि दिशा ने अभी तक अक्षिता से नहीं कहा था कि वो आयुष को पसंद करती है, इसलिए अर्पित अभी भी मम्मी की तरफ था। हॉस्पिटल के बाहर अक्षिता गाड़ी के पीछे बैठी थी और उसने अर्पित को पकड़ रखा था। आयुष गाड़ी चला रहा था। रास्ते पर बारिश हो रही थी। मैं दिशा के हॉस्पिटल का बिल भर दूंगा और एक पर्सनल बॉडीगार्ड अर्पित के लिए भी अरेंज कर दूंगा। आयुष के घर दादी माँ को पता चल गया था कि दिशा के साथ क्या हुआ है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो भागकर नहीं आ पाए। आयुष, अब दिशा कैसी है? मैंने सुना वो हॉस्पिटल में है। दादी माँ चिंता मत करो, उसके हाथों में बस कुछ कांच के टुकड़े घुस गए थे, अब वो ठीक है। ये सुनकर दादी माँ ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अर्पित को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी दादी माँ कभी भी अक्षिता की इस तरह चिंता नहीं करती थी। दादी माँ जाकर अर्पित को गले लगाने वाली थी, लेकिन अर्पित उनसे दूर हट गया। अक्षिता ने अर्पित के सर पर हाथ रखा और कहा, अर्पित मैंने तुम्हें समझाया है ना, ऐसे नहीं करते। दादी माँ ने देखा कि अक्षिता उनकी तरफ से अर्पित को समझा रही थी और अर्पित भी सबसे ज्यादा अपनी माँ की ही बातें सुनता था। उसने अपना सिर हिलाया और फिर दादी के गले लग गया। दादी माँ, मैं फ्रूट्स खाना चाहता हूँ, अभी लेकर आती हूँ। अक्षिता ने देखा कि उनका बेटा और दादी किचन में चले गए। अक्षिता ने यह देखकर एक राहत की सांस ली। अगर कभी उसे घर छोड़कर जाना पड़ा तो अर्पित का ध्यान हर कोई रखेगा। वो नहीं चाहती थी कि अर्पित इस घर में अकेला पड़ जाए। वो अर्पित के लिए बहुत खुश थी। अक्षिता अपने कमरे में चली गई। उसने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ है। ये मैसेज उसे अभिमन्यु ने भेजा था। वो उसे बाहर खाना खाने के लिए पूछ रहा था। आयुष स्टडी रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। अक्षिता बिस्तर पर लेट गई और नहाने के बाद अपनी किताब पढ़ रही थी। उसके फोन पर एक कॉल आया और उसने देखा कि वो अभिमन्यु का ही था। अभिमन्यु, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? मैं जानता हूँ अक्षिता। ऐसा लग रहा था अभिमन्यु ने काफी ज्यादा दारू पी रखी हो। होटल में मिलने के बाद अभिमन्यु अक्षिता से मिलना चाहता था। अक्षिता, मैं आखिरी बार तुमसे और तुम्हारे बच्चे से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा और दूर चला जाऊंगा, बस एक आखिरी बार। अक्षिता को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताई थी। वो सोचने लगी कि आखिर वो किस तरह उसके साथ दिखती होगी। तभी आयुष वहां पर आया और उसने दरवाजा खोला। आयुष ने देखा कि अभी अभी अक्षिता ने किसी का फोन काटा। अक्षिता की आंखों में आंसू दिख रहे थे। आयुष बहुत कंफ्यूज हो गया था कि आखिर अक्षिता किससे बात कर रही थी।